ग्रामीणों के रुपए को डबल करने के नाम पर देर रात जालसाजों ने 2 लाख रुपए को लेकर भागने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण व पुलिस की सक्रियता से भागने वाले 2 जालसाजों को पकड़ लिया गया, जिसके संबंध में एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि गोला थाना क्षेत्र में रुपए डबल करने वाले गिरोह के सदस्य 2 लाख रुपए को लेकर भाग रहे थे। इस दौरान भाग रहे बदमाशों को स्थानीय युवकों ने पकड़ लिया, दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा एसएसपी दिनेश कुमार पी ने बताया कि पुलिस विभाग की छवि को बेहतर बनाने और सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने बताया, एक शिकायतकर्ता के द्वारा गोला थाना उपस्थित होकर ये बताया गया उनका 2 लाख के पैसे 4 लाख करने के लालच देके एक गिरोह ने उनके साथ तपेबाजी किया है। गाँव वालों की मदद से 2 लोग पहले से हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और इनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी की जा रही है और जल्द से जल्द इसका खुलासा करके आपके समक्ष रखा जाए, क्योंकि गोरखपुर जनपद में कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर और SHO लेवल पे कहीं गुड वर्क्स भी हुए हैं, चाहे गरीबों की मदद करना हो या क्राइम पे काम करना हो या फिर ब्लड डोनेशन हो या कोरोना काल में रिलीफ मटेरियल पहुँचाना हो, उस तरह से कई सारे जो पुलिस कर्मचारी के द्वारा अच्छे काम किए गए हैं, उन अच्छे काम के लिए लगातार हम उनके द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है और आगे भी दिया जा रहा है।